देश भर से जो तिब्बत युवा कांग्रेस के लोग जमा हुए हैं, एक साइकिल रैली निकाली है, देहरादून में इकट्ठे हुए, अब ये चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद ये दिल्ली जाएंगे। पूरे देश भर से लोग आए हैं तिब्बत के, मांग है कि चीनी जो प्रोपेगेंडा करता है उसको रोका जाए और मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे जाए। हमारे साथ तिब्बत युवा कांग्रेस इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोम्पो दुंडू हूँ। गोम्पो जी, आप लोग रैली निकाल रहे हैं साइकिल पे देहरादून से आप दिल्ली तक की, कितने लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या मकसद है? ये हमारे तिब्बती युवा संगठन का एक साइकिल रैली है। ये जो हम कल परसों 24 तारीख को हमने देहरादून दिगिलिंग हमारे तिब्बतन कम्युनिटी है वहां से शुरू किया था। इस साइकिल रैली में पूर्व मिलाकर हम वॉलेंटियर और सब मिलाकर 55 लोग जुड़ा हुआ है। और ये जो है हमारे इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जितना भी हमारे तिब्बतन यूथ कांग्रेस का चैप्टर्स है वहां का वॉलेंटियर्स यूथ एक्टिविस्ट यहां कटा होकर कटा हुआ है। जी जी, तो इसका मकसद क्या? मैं देख रहा था डिमांड्स हैं कि द चाइनीज कम्युनिस्ट रिजीम इमीडिएटली स्टॉप इट्स कल्चरल जेनोसाइड इन तिब्बत। अगर मैं कल्चरल जेनोसाइड की बात करूं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चाइना क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है तिब्बत में? साल 1959 में चाइना ने हमारे देश को कब्जा कर दिया था, उसी से लेकर अभी तक 60 साल से ज्यादा हो रहा है। चाइना ने आजकल हमारे तिब्बत में जो कल्चर जेनोसाइड इंट्रोड्यूस को किया हुआ है पॉलिसीज, उसमें जितना भी तिब्बत का तिब्बती का स्कूल है वहां में तिब्बती का संस्कृत हमारे तिब्बतन लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहा है। और तिब्बतन जो मोनेस्ट्री है वहां पे जो ननरीज और मंग्स है उन लोगों को जो बुद्ध धर्म का जो हमारे पूजा होता है वो स्टडी करने का मौका नहीं देता है। और ये जो कल्चर जेनोसाइड जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसके खिलाफ हमारे जो पहले मंखे जो है चाइना को जो तिब्बत के अंदर जो कल्चर जेनोसाइड का पॉलिसी हो उसको स्टॉप करने का जो है वो हमारे पहले मंखे है। तो अभी आप दिल्ली जाएंगे? जी, ये हमारे जो शुरुआत जो है देहरादून से किया, वही हम चंडीगढ़ आज पहुंचने वाला है। कल जो 27 सितंबर को जो हमारे चंडीगढ़ एरिया में हमारे एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 1987 में तिब्बत के अंदर एक मास प्रोटेस्ट हुआ था, उसका जो शुरुआत का दिन जो है 27 सितंबर था। इसको कॉमेमोरेशन करके 1987 27 सितंबर के बाद तिब्बतन यूथ कांग्रेस ने ये हमने मनाया कि 27 सितंबर इज अ ब्लैक डे, क्योंकि वो जो आंदोलन जो तिब्बत में हुआ था इसके बाद चाइना ने तिब्बत के अंदर में एक मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया था, जितना भी प्रोटेस्टर्स था उनको किसी को मार दिया था, किसी को जेल में डाल दिया था। इसी के तौर से कल जो ब्लैक डे के समय हम चंडीगढ़ में पूरा चंडीगढ़ को हम साइकिल रैली करके अंत में हम वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा हूं। और हम हमारी ये जो यात्रा जो है अंतिम में एक तारीख को हम राजघाट में इकट्ठा होकर ये कंक्लूशन करना है। ये जो एक तारीख जो अक्टूबर का एक तारीख जो है वो चुनने के लिए भी एक मकसद है। इसी साल का जो 1 सितंबर जो है चीन का सरकार स्थापना करके 75 उसका स्थापना दिवस है, वो हम ये आवाज उठाता है कि ये जो सरकार जो चीन का सरकार है उसने अभी तक तिब्बत के अंदर खून खराबी किया था, खास करके इसका हमारा जो तीसरा का जो हमारा मुद्दा है तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा। जब तिब्बत एक देश खो गया था चाइना ने कब्जा करके, अभी जो हमारे हिमालय का जो सीमा में जहां लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत सरकार में खास करके हमारे जवान को बार बार तंग कर रहे चाइनीज सरकार, इसके ऊपर भी हम आवाज उठाने के लिए ये सरकार यात्रा कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो तिब्बत की आप बात करें कि चाइना वहां पे आपकी संस्कृति को खराब कर रहा है, वहां आपकी भाषा को नहीं मिलने, मॉन्ग्स की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? क्या तिब्बत चाइना की आर्मी चाइनीज जो राजनीतिक है वो तिब्बत में पूरी तरह से सक्रिय है? चाइना का मिलिट्री की तौर से तिब्बत के अंदर जो हमारे बेसिक जो हमारे ह्यूमन राइट्स है वो तिब्बत के अंदर नहीं है। जो तिब्बती जो है हमारे अब जो हमारे ह्यूमन राइट के लेवल इतना कमजोर हो चुका है कि हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी का एक छोटा सा तस्वीर भी तिब्बत के अंदर रखने के लिए हक नहीं है तिब्बती को, क्योंकि हमारे तिब्बत का पॉपुलेशन में 99% तिब्बत के अंदर में है। चाइना उन तिब्बती के ऊपर जुर्म हो रहा है, खून खराबी कर रहा है, इसके लिए जो बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो हमारे तिब्बतन जो तिब्बत के अंदर में है उसको डिनाइड है। उसके रिप्रेजेंट के तौर से जो हमारे जो वॉइसलेस तिब्बतन पीपल है उसके रिप्रेजेंट के तौर से हम आवाज उठा रहे हैं और मैं साइकिल की बात करूं तो यहां पर देखिए झंडा भी लगे हुए भारत का तिब्बत का जो है और लिखा भी हुआ है वर्डिंग सीसीपी स्टॉप कल्चरल जेनोसाइड इन तिब्बत।
तो ये जो है तिब्बत इंडिपेंडेंस इंडिया सिक्योरिटी, तिब्बत इंडिपेंडेंस इंडिया सिक्योरिटी, और पूरा एक मांग है जो डिमांड है वो भी इन बैनर्स पर साइकिल के आगे रखी गई है। देहरादून में ये इकट्ठे हुए थे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद 1 तारीख को राजघाट पर ही अपना समाप्त की जाएगी और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। और साथ में और मैं दिखा दूं, यहां पर मेडिकल जो एक वैन है वो भी इस साइकिलिंग प्रोटेस्ट रैली के साथ साथ चलती है। इसमें पूरी सुविधा है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्योंकि 55 लोगों का समूह देहरादून से दिल्ली की लंबी यात्रा पर है। गौनपुर जी मैं बताऊंगा, एक बार बताएंगे, आपके साथ एक मेडिकल वैन भी चल रही है, इसमें क्या क्या ये है कि हमारे जितना भी हमारे यहाँ पे यात्री है, जितना भी हमारे यहाँ पे एक्टिविस्ट है, उन लोगों को रास्ते में चलते समय उन लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे मेडिकल पूरा वैन एम्बुलेंस है, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर साथ में है और हमारे 2 मेडिकल नर्स हमारे साथ में है। इसमें हमारे पूरा मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो, फर्स्ट एड मेडिकल किट्स हो, सब यहाँ पे इंतजाम और हम तैयार है जी। किसी को मुश्किल और तकलीफ ना हो। तो देखिए, जब कोई प्रोटेस्ट होता है, जब कोई संघर्ष करना पड़ता है, तो उसके साथ साथ तैयारी भी करनी पड़ती है। और एक एम्बुलेंस वैन भी जो इन रैलिस्ट के साथ चल रही है, यहाँ पर इस वैन में पूरा इंतजाम किया गया है, एक बेड है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, तमाम मेडिकल पूरी सुविधाएं यहां पर है। यानी कि एक छोटा सा चलता फिरता इस वैन के अंदर एक कह लें कि एक ऑपरेशन थिएटर भी, आपकी बात करें कि एक जो भी दिक्कत आती है वो यहां पर इस वैन के जरिए दूर की जाती है। अब सवाल ये है कि तिब्बत की स्वतंत्रता, तिब्बत के जो मांग है उसको लेकर हमेशा से विवाद काफी बरसों पुराना है और इस तरह के प्रदर्शन हमेशा होते रहे हैं। और भारत को लेकर भी एक ये भी कहा जाता है कि तिब्बत हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है, भारत भी तिब्बत को सपोर्ट करता है, और अपनी मांगों को लेकर ये जो रैली निकाल रहे हैं, 1 तारीख को राजघाट में इसके समापन होगा। सवाल है कि चाइना तिब्बत में जो कहर, तिब्बत में जो एक सांस्कृतिक नरसंहार कर रहा है, जिस तरह से बताया कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, धार्मिक नेता दलाई लामा, उनकी एक तस्वीर रखने की भी वहां पर इजाजत नहीं दी जाती, तो तमाम मांगे हैं। और एक मैसेज देने का मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये संदेश जाए।